राजा परीक्षित कहते, प्रभु ऐसा कोई तरीका है कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, तुम प्रायश्चित कर लो और उस पाप को दोहराओ मत, तो दंड कम हो जाता है, लेकिन नरक तो जाना पड़ता है। बोले कोई तो तरीका होगा कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाए, कुछ तो आप बताइए। आपको पता है, आप मुझे बता नहीं। सुखदेव जी कहते, एक तरीका है। कौन सा तरीका? सुनने में बड़ा आसान लगेगा, यहां आधे से ज्यादा लोग सोचेंगे हमारा तो काम हो गया, पर सुनने में जितना आसान, करने में उतना ही कठिन। कौन सा तरीका है? सुखदेव जी कहते हैं कि अंत समय में जो भगवान का नाम ले ले, वो नरक लोग नहीं जाता। आसान है ना, ले लेंगे, क्या बात है। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बहुत कोशिश करते हैं। एक तो मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से ही ध्यान नहीं हटता, और उस पीड़ा से ध्यान हट जाए तो ध्यान जाता है, बच्चे को भी देख लूं, इसको भी देख लूं, उससे मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, माँ बाप से मिल लूं, पोते से मिल लूं, इससे मिल लूं, भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। लेकिन अगर आ गए तो ये बात सच्ची है, जिसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया, वो नरक लोग नहीं जाता। अब यहां राजा परीक्षित कहते कि ऐसा किसी के साथ हुआ है? ये सबूत चाहिए ना। बोले जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल, बहुत ही अच्छा बालक, भगवान का पूजा पाठ सब कुछ करता, बड़ा हुआ, शादी हुई। अब एक बार वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, तो वहां उसने शूद्र को संभोग करते हुए देख लिया। उसका मन भटक गया। पाप हमेशा नजरों से आता है। कहते हैं कि नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा चरित्र बिगड़ा, और चरित्र अगर बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? ये सही होना चाहिए। कहते ना कि खराबी कहीं और नहीं है, गंदगी कहीं और नहीं है, नजरों में है, नजरिए की बात है। नजर बिगड़ती है, वो एक दृश्य से उसकी नजर बिगड़ गई। सोचिए, जीवन भर उसने कितना कुछ किया, पूजा पाठ किया, लेकिन वो एक चीज से उसकी नजर बिगड़ गई। उसके बाद तो धीरे धीरे सारे अवगुण आते गए। कितने स्त्रियों को अपने साथ लेकर आ गया, चोरी डकैती सब कुछ होता गया। पत्नी का त्याग करके अब उनके साथ संतानें हो रही है, एक दो तीन चार संतान पे संतान किए जा रहा है। उसी गांव में एक बार एक संत तपस्या करके उठते हैं, उसी के घर जाते हैं, एक रात का समय मांगते हैं कि उनको स्थान चाहिए रहने के लिए, दूसरे दिन फिर किसी गांव के लिए निकलना है। उसने दे दिया जगह, कमरा दे दिया। सिद्ध ऋषि थे, सुबह उठ के वो कहते हैं कि कहते ना कि आपके बड़े बुजुर्ग अंत समय तक कोशिश करते कि आप सुधर जाए, तो उन्होंने भी सब समझ लिया। तो अंतिम कोशिश वो करके जाते हैं। उन्होंने अजामिल से कहा कि तुम्हें अभी संतान होने वाली है? बोले हाँ। बोले मेरा काम करोगे? बोले कैसा काम? बोले जो संतान होगी उसका नाम तो कुछ रखोगे? बोले हाँ रखूंगा। तो बोले उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। बालक ही होता है, पुत्र हुआ, उसने पुत्र का नाम रखा नारायण। घर का सबसे छोटा बच्चा था तो उसमें मोह ज्यादा था, तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम,
नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खाना खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को सुनाना, नारायण 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 दिन भर नारायण। धीरे धीरे साल बीतते गए, उसका अंत समय आया। अंत समय आया तो यम के दूत आए लेने, इतना पापी है यम के दूत ही आएंगे। यम के दूत उसको ले जाने लगे तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब यहां भगवान उठते हैं, तेज आवाज सुन के भगवान अपने पार्षदों को कहते, जाकर देखो कौन आवाज लगा रहा है। तो पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यहां पर यमराज आए भगवान के पास। यमराज कहते, आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते, पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे, आपका नाम नहीं ले रहा था वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, उसके पुत्र का नाम है नारायण। भगवान कहते, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, लेकिन भगवान का नाम व्यक्ति दिन भर लेता रहता है। बच्चों का नाम व्यक्ति दिन भर लेता रहता है।